Hey guys, what's up and welcome back to my channel. So for today's video, I'm gonna do a little fashion video. It's not gonna be a makeup video. I thought to try something different on my channel, so I just thought to give you the most basic thing on the fashion TV कि क्या क्या चीज़ें should be there on our closets. So आज की वीडियो हम कर भी रहे हैं हिंदी में because I thought कि सबको ये वीडियो दिखनी चाहिए कि what should be in your closet, कि आपके कबर्ड में क्या क्या कपड़े जो हैं वो बेसिक कपड़े जो होने ही होने चाहिए. So without further review, let's get into the video. And if you want more such video, let me know in the comment box that what type of fashion videos or makeup videos you want me to make. Just tell me in the comment section and let's go to the video. First and foremost is the white shirt. It is the most basic element of your cupboard. Now it can be a pattern white shirt, जैसे इसके sleeves rolled up हैं, but आप button white shirt भी ले सकते हैं या आप frill वाली white shirt भी ले सकते हैं. But I have choose this one because मुझे इसका pattern on sleeves बहुत पसंद आया था. Now इसका जो fabric है बहुत ही अच्छा fabric है and always choose a very good fabric. इसका कुछ linen and silk mix है. You can choose a cotton one if you're comfortable. But मेरे को ये fabric इसलिए बहुत पसंद है because इसमें इतनी ironing की ज़रूरत नहीं होती and इसमें zip pattern भी मुझे बहुत पसंद आया था. So I chose this one. Let's wear it. And that's so you can see how comfortable it looks like. कोई आयरन की जरूरत नहीं पड़ती और इतना clean है ज़ारा के कपड़ों की ये तो खासियत है कि they look so elegant. Now make sure you wear a spaghetti underneath it और थोड़ी सी अपनी white shirt खुली लें so that you breathe in it, you're comfortable in it और you know just enjoy your day because it's a white shirt. It's the best thing in the world, guys. नेक्स्ट अप ऑन माई लिस्ट इज़ दिस ब्लैक लेगिंग जैगिंग जो भी आप इसे कह सकें. आई लव दिस वन फ्रॉम ज़ारा एज वेल. इसमें भी पैटर्न्स हैं, थोड़े से साइड पे जिपर्स हैं, सामने पे बटन्स हैं. मैंने ओवर द ईयर्स ये रियलाइज़ किया है एक अच्छी ब्लैक जीन्स इन योर कबर्ड एंड अ ब्लू जीन्स इन योर कबर्ड इज़ रियली रियली मस्ट. आई लव दिस वन फ्रॉम ज़ारा क्योंकि इसका फैब्रिक कभी भी ख़राब नहीं होता. ये फट जाएगी लेकिन इस पर बबलिंग नहीं होएगी और इसका फैब्रिक में कभी वो वाइटनेस नहीं आएगी. यू विल ऑलवेज इन्जॉय द फैब्रिक. सो दैट्स हाउ इट लुक्स व्हेन यू वियर इट. सो यू कैन से इट्स स्नगली फिट्स. एक्चुअली इसका जो फिट है दिस इज़ सो सेक्सी एंड इट विल एक्सेंचुएट एवरी कर्व ऑफ योर्स. इतना अच्छा लगता है पहन के भी एंड द फैब्रिक इज़ सो गुड दैट यू विल बी टचिंग योरसेल्फ अगेन एंड अगेन. इसलिए मुझे इसका फैब्रिक बहुत पसंद है. मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि ब्लैक जीन्स और ब्लैक लेगिंग बेसिकली शुड बी देयर इन योर कबर्ड. और यहाँ पे मैं छोटा सा स्टाइल टिप दूंगी कि ऑलवेज मेक श्योर कि आपने अपनी जीन्स को अंदर से फोल्ड करा है और एंकल्स आपका विजिबल है. थर्ड क्लॉथ जिसकी मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ बट दिस इज़ नॉट एक्चुअली अ समर क्लॉथ बट ये बहुत एक असेंशियल क्लॉथ है क्योंकि वेन एवर यू आर गोइंग टू मीटिंग्स और शो यू नीड अ ब्लेजर. सो जो मैंने ये ब्लेजर चूज़ किया है LA का है. अब ब्लेजर्स के भी बहुत पैटर्न आते हैं. इनमें 1 बटन 2 बटन ओपन ब्लेजर्स हर टाइप के ब्लेजर आते हैं. मतलब कईयों में तो आगे वो भी बंदा होता है नॉट सा भी. एंड ऑलवेज मेक श्योर कि आपने जो ब्लेजर लिया है ये अंदर से थोड़ा प्रिंटेड या कोई ऐसा सा फैब्रिक हो जो कलरफुल हो सो दैट जब आप इसे रोल करें तो आपके लुक में थोड़ी ब्राइटनेस या थोड़ा कलर आ जाए. सो लेट्स जस्ट वियर इट. सो ये देखिए मेरा कितना वाइट एंड ब्लैक था सारा अटायर लेकिन जो स्काफ्स पे ये जो कलर है जो प्रेजेंट है इसने इसको थोड़ा सा कलरफुल बना दिया. फैब्रिक भी इसका इज़ सो गुड. दिस वन इज़ बाय LA एंड मैंने 2-3 कपड़े खरीदे थे इसमें LA के लेकिन सिर्फ ये ब्लेजर था जो बहुत अच्छा निकला एंड आई एंजॉयड इट. सो देयर इट इज़. ओके नेक्स्ट आता है ये ब्राउन ब्लेजर कोट. अगेन लाइक अ ब्लैक कोट बट थोड़ा सा टेक्सचर होता है. ये मोर ऑफ कैजुअल लुक है. अगर आप किसी सेमी फॉर्मल मीटिंग में जा रहे हैं ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है एंड यू कैन पेयर इट अप विद मैनी थिंग्स. नाउ इसका मुझे ये ट्रेंच कोट पैटर्न अच्छा लगता है. इसका जो कॉलर है जो लॉन्ग कॉलर इन्होंने दिया ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए आई हैव चूज इट एंड आई हैव क्रिएटेड द लुक ऑन इंस्टाग्राम एज वेल. जस्ट चेक इट आउट. एंड ये देखिए जब आप इसे पहन लेते हो तो ये कैजुअल लगता है. डिनर के लिए भी अप्रोप्रिएट है, इनफॉर्मल मीटिंग्स के लिए अप्रोप्रिएट है, सेमी फॉर्मल मीटिंग्स के लिए भी बहुत अप्रोप्रिएट है. अगर छोटा मोटा अपने गर्ल गैंग के साथ आप जा रहे हैं तो उसमें भी इट लुक्स सो ब्यूटीफुल एंड सेक्सी. ऑलवेज थोड़ा सा एलिमेंट ऐड करने के लिए आप स्लीव फोल्ड कर सकते हैं. ये बहुत छोटी सी चीज़ें होती हैं विच मेक्स अ ह्यूज 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 डिफरेंस. सो आई टोटली रिकमेंड इट. नेक्स्ट जिस कपड़े की मैं बात करने वाली हूँ, ये तो मुझे लगता है सारी दुनिया का बेसिक है। आई मीन अ वाइट शर्ट एंड ब्लू पैंट इज़ बेसिक। जब कुछ नहीं समझ आ रहा तो ये डाल दो। तो मेरी जो वाइट शर्ट है प्लेन, तो मेरे पास मैंने भी नहीं ली हुई, मैंने थोड़ा सा पैटर्न लिया था इसमें क्योंकि मुझे थोड़ा कूल लगा था। लूज सी टी शर्ट थी और ये बहुत अच्छी लग रही थी, सो मैंने ये ली थी इस करके। एंड फैब्रिक में भी आप देख सकते हैं कॉटन था, तो जब इसको आप वेयर करते हैं थोड़ी खुली है, यू नो, जब आप कैजुअली कहीं जा रहे हैं या अपनी शॉर्ट्स वगैरह डाली है तब तो मैं इसको ऐसे ही इतनी लेंथ में रखती हूँ। लेकिन जब मैंने कोई पैटर्न जीन्स डाली है, जैसे अभी मैंने लेगिंग डाली हुई है और मैं अपनी लेगिंग के बटन शो अप करना चाहती हूँ, ये साइड का जिपर पैटर्न शो करना चाहती हूँ, तो आई जस्ट क्रॉप इट अप, इसको थोड़ा सा शॉर्ट अप कर लो एंड इट लुक्स गुड। फैब्रिक इतना ब्रीदेबल कॉटन है तो यू नो इट मेक्स योर डे एज वेल। एंड इसके साथ आप क्रॉप टॉप करें, कुछ भी, इसके साथ आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट जिस क्लोथिंग पीस की मैं बात कर रही हूँ इज अ ब्लैक टी शर्ट, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट टी शर्ट, सो मैंने सोचा वाई नॉट इंक्लूड ब्लैक टी शर्ट एज वेल। मैं हमेशा अपने कपड़ों में थोड़े पैटर्न्स जो है वो फाइंड आउट करती हूँ, तो मैंने ये नॉट वाली टी शर्ट ली है, थोड़ी सी ट्रेंडी और सेक्सी भी लगती है, बट यू कैन ऑलवेज चूज अ बेसिक ब्लैक टी शर्ट। सो लेट्स जस्ट वेयर इट एंड सी हाउ इट लुक्स। नाउ यू कैन सी दिस इज़ अ ऑल ब्लैक लुक। बहुत कम लोग ऑल ब्लैक लुक ट्राई करते हैं, यू नो। ब्लैक टी शर्ट इज़ सो बेसिक, यू वेयर इट विद इवन डार्क ब्लू जीन्स एंड ओ माई गॉड, आप देखेंगे कि आपने ऐसा पहले क्यों नहीं ट्राई किया। इट लुक्स सो गुड, सो ट्रेंडी, सो आई वेयर इट विद अ लॉट ऑफ थिंग्स। आई शो यू द नेक्स्ट फैशन पीस इज माई करंट फेवरेट। दिस इज अ ब्लू जीन्स। इसमें बहुत सारे पैटर्न्स आ गए हैं, ये रग्ड भी है, ये ब्लू भी है और ये मॉम्स जीन्स भी है, इसलिए ये तीनों चीज़ें इफ़ यू कैन सेपरेटली बाय देम यू कैन, बट मुझे एक ही में ये चीज़ मिल गई एंड दिस इज़ सो ट्रेंडी और आजकल के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए मेरे को ये मेरा एक पर्सनल फेवरेट बन चुका है। ऑल्सो मेक श्योर जो आपकी ये ब्लू जीन्स है थोड़ी सी लूज हो फ्रॉम वेस्ट, एटलीस्ट 1 इंच, सो दैट यू कैन कंफर्टेबली मूव इन इट। और ये एक्चुअली एक मॉम जीन की अपीयरेंस दे। वेस्ट शुड बी, आप देख सकते हैं जो मैं दिखा भी रही हूँ, वेस्ट शुड बी मोर देन योर एक्चुअल वेस्ट। सो लेट्स जस्ट ट्राई इट। नाउ यू कैन सी वॉट आई वॉज ट्राइंग टू सी, इट लुक्स सो गुड। और जो मैं आपको कह रही थी ब्लैक टी शर्ट गोज विद एवरीथिंग, तो ये ब्लैक के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। नाउ इट लूज एंड बैक से भी बहुत ज़्यादा सेक्सी एंड ट्रेंडी लगती है। सिंस इसमें थोड़ा सा पैटर्न, बहुत सारे पैटर्न्स है इसमें, तो लूजर भी है ये और थोड़ा सा इसमें रग्ड इफेक्ट भी है, तो ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट फ्रॉम फ्रंट एंड बैक एज वेल लगती है। लुक्स सो स्टाइलिश और लूज है, तो यू कैन ब्रीद एज वेल एंड यू नो व्हेन यू आर विद फ्रेंड्स तो यू कैन एंजॉय योर डे, यू कैन डांस, यू कैन डू एवरीथिंग इन दिस वन। आई जस्ट लव दिस पीस। अपने वाइट टॉप को क्रॉप करिए, थोड़ा सा बेली बटन दिखाइए एंड इट विल लुक सेक्सी with it or just tug it inside. नेक्स्ट चीज़ जो है वो एप्रिल्स तो नहीं है बट क्लोजेट एसेंशियल है। इट्स शूज़, वाइट शूज़। मुझे जो शूज़ पसंद हैं, आई ऑलवेज लव शूज़ जिनका बॉटम जो होता है, इनका सोल थोड़ा सा बड़ा होता है, तो मेरे को वो थोड़ा हाइट भी प्रोवाइड कर देते हैं एंड यू नो आई कैन एक्सपेरिमेंट विद दैम। अब ये वाले जो शूज़ हैं इनका मैं हमेशा, आई डोंट नो इस फ्लैप को क्या कहते हैं, जो आगे वाला फ्लैप होता है, आई जस्ट मार्क इट अप हेयर इन द वीडियो, इसको मैं ऊपर रखती हूँ सो दैट यू नो ऐसे भी मेरी हाइट में थोड़ा सा इंक्रीज लगे। और ये वाइट शूज़ तो आपको पता ही है कितने ज़्यादा ट्रेंडी होते हैं, सो आई always love these white shoes. Next is the black boots or you can say black heels, whichever thing you are comfortable in. आजकल मेरे को heels, black heels जो proper जिसे stilettos कहते हैं, I am not into them. I am into these black heels. I'll just wear it and tell you why I love them. नाउ लुक एट दैट, इतना ज़्यादा एलिगेंट लगता है। आप इसको आराम से कैरी कर सकते हो, अनलाइक योर स्टिलेटोज जिसको आप थोड़ा सा मुश्किल होता है कैरी करना। तो मुझे ये पसंद है अपने ब्लैक बूट्स जिसे कहते हैं। समर्स के लिए तो ठीक है ही हैं, विंटर्स के लिए तो ये आइडियल हैं। यू पुट इन योर फिट एंड यू विल नो हाउ सेक्सी यू लुक इन इट।